नमस्कार दोस्तों, सीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की सफलता के बाद हम लोगों ने 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को लॉन्च किया है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उसी शेड्यूल पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ 68 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो हमारा टेस्ट सीरीज है वह कैसे 67 से और बेहतर है, कैसे इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आप और मार्क्स ये कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज से आप न केवल मार्क्स इन्हेंस कर सकते हैं बल्कि कॉन्फिडेंस बिल्टअप और जो एग्जाम का जो मेन फियर होता है, एग्जाम फियर, उस फियर को भी कैसे दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं यह टेस्ट सीरीज क्या है और इसके शेड्यूल्स क्या है हमारे। इस शेड्यूल से पहले मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। ये टेस्ट सीरीज वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं, और साथ ही साथ वैसे बच्चे जिनका, हमारे यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स से रिजल्ट नहीं आया है, तो वैसे सभी बच्चों के लिए यह हेल्पफुल है। और इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आप मार्क्स को इन्हेंस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ रियल एग्जाम और एग्जाम फियर से भी क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं यह टेस्ट कब और कैसे स्टार्ट हो रहा है और इस टेस्ट का क्या यूनिक फीचर है। तो हमारा यह पहला टेस्ट 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1/12/2022 से स्टार्ट हो रहा है। और 1/12/2022 को पहला टेस्ट हमारा एंशियंट हिस्ट्री और मिडियावल हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट है। इस टेस्ट में मैं कुछ और चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा, एड ऑन करना चाहूँगा आप लोगों को। जो हमारा टेस्ट सीरीज जो है जस्ट लाइक ए सैंडविच प्रोग्राम है, सेक्शनल टेस्ट है, फिर PYQS है और फिर न्यू क्वेश्चन है। सेक्शनल टेस्ट आपको, सेक्शनल टेस्ट से आप अपने आप को, अपने रिविजन को सेक्शन वाइज शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रिपेयर कर पाएंगे। PYQS से आप प्रीवियस एग्जाम के ट्रेंड्स क्या रहे हैं यह पता कर पाएंगे, और न्यू क्वेश्चन से अपने आप को रियल में इवेल्युएट कर पाएंगे। यह 3 डायमेंशन में है टेस्ट हमारा। आप यहां देख पा रहे होंगे पहला 2 टेस्ट हमारा जो है वह सेक्शनल है और तीसरा टेस्ट जो है वह PYQS है हिस्ट्री का। यह एक हमारा फीचर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है, हम लोगों ने ऑर्डर में रखा है, जिससे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक होते हैं उस टेस्ट को हमने पहले रखा है सेक्शनल टेस्ट को, चूंकि उस पर अधिक काम करने की जरूरत है आपको। जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं तो उसको हमने उसके बाद रखा है। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से होते हैं तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री का रखा है। तो पहला टेस्ट आपका एंशियंट हिस्ट्री और मिडियावल हिस्ट्री का है जो कि 1 तारीख को है। दूसरा टेस्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है जो कि 3 तारीख को है। सेक्शनल टेस्ट है ये, इससे आप क्विक रिविजन कर सकते हैं। फिर तीसरा टेस्ट हमारा हिस्ट्री PYQS है जो कि 4 तारीख को है। तो यहाँ पे 3 टेस्ट बैक टू बैक आपके हैं, 1, 3 और 4। हिस्ट्री PYQS टेस्ट से आप ट्रेंड को समझेंगे और फिर आपको टाइम मिला है यहाँ पे, यहाँ मैंने टाइम दिया है 6 दिन का टाइम दिया है। 4 तारीख के बाद अगला टेस्ट आपको 10 तारीख को है, 10-12 को है, जो कि आपका न्यू क्वेश्चन होगा। तो अब इस सेक्शनल और PYQS के बाद आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग 10 तारीख को आप अपना रियल इवेल्युएशन कर सकते हैं, जो आप हिस्ट्री में किस किस सेक्शन में आपको और वर्कआउट करने की जरूरत है या हिस्ट्री आपका कंप्लीट है। तो हिस्ट्री को टेस्ट के में फर्स्ट नंबर पे रखने के पीछे यही लॉजिक है, जो यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक आते हैं और पहले से अगर आप अपने वीकनेस को जान लेंगे तो उसको सही टाइम पे उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। फिर दूसरा टेस्ट हमारा साइंस है, साइंस को दूसरे नंबर पर रखने के पीछे भी यही लॉजिक है, साइंस से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक होते हैं। अगर हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन होते हैं तो साइंस से भी 35 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं। साइंस में भी हमारा पहला PYQS है, PYQS से आपको ट्रेंड पता चलेगा जो किस सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक होते हैं, बायोलॉजी से अधिक होते हैं, फिजिक्स से होते हैं, केमिस्ट्री से, बायो में भी किस पार्ट से अधिक क्वेश्चन होते हैं, क्या ट्रेंड है एग्जाम का। और देन फिर जो अगला टेस्ट आप देंगे तो वह साइंस फुल लेंथ टेस्ट होगा जो आपका इवेल्युएशन होगा, जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट करेंगे जो किस किस सेक्शन में हमें काम करने की जरूरत है और कौन कौन ऑलरेडी मेरा प्रिपेयर हो चुका है। तो 11 तारीख को PYQS है और 6 दिन का गैप यहां मैंने रखा है जो आपके इवेल्युएशन और आपके प्रिपरेशन के लिए काफी है। और 17 तारीख को यहां पर हिस्ट्री का साइंस का टेस्ट है फुल लेंथ। फिर उसके बाद इस तरह से 6 टेस्ट हमारे बैक टू बैक है, जिसमें 4 टेस्ट आपका हिस्ट्री ओरिएंटेड है, 2 टेस्ट आपका साइंस ओरिएंटेड है। आपको टेस्ट के नंबर से पता चल रहा होगा यह बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड है। फिर उसके बाद जो हमारा टेस्ट है नेक्स्ट टेस्ट नंबर 7 जो कि 18 तारीख को है, इंडियन पॉलिटी का भी यह फुल लेंथ टेस्ट है, बट यहां पर PYQS है मिसिंग है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर भी, इंडियन पॉलिटी का पहला टेस्ट PYQS के फॉर्म में होगा। फिर रिपीट
सेम थिंग होगा यहां पे भी, आप ट्रेंड पता करोगे इंडियन पॉलिटी का और देन फिर न्यू क्वेश्चंस होंगे इंडियन पॉलिटी के आपके 24 तारीख को, मींस 18 के बाद 24th को होगा, मींस यहां पे भी आपको गैप मिला 6 दिन का और आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टेस्ट होगा हमारा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का, क्योंकि दोस्तों इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में हमने PYQS नहीं रखा है, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारे डेटाज होते हैं चेंज हो जाते हैं जो इस बार हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, इसलिए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में हम लोगों ने न्यू क्वेश्चन के साथ ही टेस्ट रखा है। तो नए क्वेश्चन के साथ आपका टेस्ट होगा 25 तारीख को। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल फुल लेंथ टेस्ट रखा है हमने, या 1/1/2023 को होगा जो कि 1 जनवरी को होगा। तो इस तरह से 1 जनवरी तक हम लोग सारे सेक्शनल टेस्ट को कंप्लीट करेंगे और 1 जनवरी तक आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं जो किस सेक्शन में हमें किस तरह से और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस सारे जो टेस्ट होंगे आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे, जिस जिस सेक्टर से क्वेश्चंस आते हैं उसी एरिया से हमारे यह क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चंस टेस्ट होंगे वो सारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जो 11th नंबर 12th नंबर 13th 14th और 15th मींस 5/2/2022 तक लास्ट टेस्ट हमारा, अभी जो एग्जाम का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग लास्ट टेस्ट हमारा 5 तारीख को हो रहा है। तो ये जो लास्ट का 4 टेस्ट है आपका, सॉरी 5 टेस्ट, ये 5 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें आप अपने स्कोर को इवैल्यूएट कर पाएंगे। यहां पे टेस्ट का डिजाइनिंग समझ पा रहे होंगे आप, टेस्ट के डिजाइनिंग में पार्ट 1 में हमारा क्या है, हमारा प्रिपरेशन बेस्ड टेस्ट है, हम प्रिपरेशन करें टॉपिक को तैयार करें किस तरह से, और लास्ट का जो 5 टेस्ट है उसमें हम अपने स्कोर को इवैल्यूएट करें किस तरह से हम अपने स्कोर को इनहेंस करेंगे। तो यह साइंटिफिक टेस्ट का डिजाइनिंग है। अब इस टेस्ट में और क्या इंपॉर्टेंट है जो टेस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल है, जैसा कि पहले भी होता रहा है, 67th में भी हम लोगों ने किया है, जिसका रिजल्ट है जो आज बहुत अच्छा रिजल्ट जिसका यह रिस्पॉन्स है जो बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे यहाँ प्रीलिम्स में, मोर देन 80% बच्चों का हमारे यहाँ से सक्सेस रेशियो है। तो इसके साथ भी हम लोग उस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं जिसमें क्या होगा, एक सीरीज तो टेस्ट का है ही है, साथ ही साथ द नेचर ऑफ क्वेश्चन विल बी एग्जैक्टली लाइक दैट द BPSC एग्जाम, ऑब्वियसली बात ये चीजें भी होंगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहां पे होगा वह डिटेल्ड डिस्कशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरी टेस्ट, सभी टेस्ट का हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे, और एक्सप्लेनेशन का यह साइंटिफिक वे होगा, जो अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हो एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, रिमेनिंग 3 ऑप्शंस जो होते हैं वह किसी और क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं तो वह क्या है। तो इस तरह से एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो कि आपके पूरे सिलेबस को कवर अप करेगा, एक USP यह होगा। दूसरा USP क्या होगा, जो प्रोबेबल है, प्रोबेबिलिटी है इसकी, जैसे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसके लिए भी हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। इसमें तीन तरह की रणनीति होगी हमारी। पहली रणनीति क्या होगी, हम कुछ क्वेश्चन UPSC पैटर्न पे फॉलो करेंगे। दूसरा स्ट्रेटेजी होगा, कुछ क्वेश्चन हमारे फैक्चुअल और SSC पैटर्न को फॉलो करेगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा वह दोनों का कॉम्बो होगा, मीन्स ट्रांजिशन, वह ना तो BPSC ना ही UPSC, एक ट्रांजिशनल टाइप से क्वेश्चंस होंगे वह। तो इस तरह से इस डिफरेंट डिफरेंट आयामों से, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जब हम क्वेश्चन को एक्सरसाइज करेंगे तो UPSC BPSC में होने वाले किसी भी अनसर्टेनिटी को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को हम में एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को, और अपना रिजल्ट ले सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से टेस्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है। और एक और अनाउंसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। पहला टेस्ट ओपन टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्ज। आप आओ, इवेल्युएट करो, डिस्कशन अटेंड करो और देन फिर डिसीजन लीजिए जो आपको टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो फर्स्ट टेस्ट, रिपीट, फर्स्ट टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन टेस्ट है, आइए और इसको ज्वाइन कीजिए और टेस्ट को इवेल्युएट कीजिए, क्या इस टेस्ट से आपको फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसके साथ ही इस सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, गुड लक।